हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है आर्क एजी रिबॉन का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसे आप लोग ने देखा था पिछले एपिसोड में, जो है ना, हम लोग ने यहाँ पे पॉइजन वाला डाइनो फाइनली टेम कर लिया था। एंड आज देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने पॉइजन वाला डाइनो तो ऑलरेडी टेम कर लिया, तो टॉर्पर देने के लिए हमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड साथ में जाके जो अपना ट्रैंक एरो हम लोग ने अभी बनाया ना, वो काफ़ी ज़्यादा ओपी है, जिससे जो डाइनो है उसको काफ़ी जल्दी जल्दी ट्रैंक चल रहा है। तो आज भी सोच रहे कि जाके कुछ ओपी सा जो है ना पॉइजन वाला डाइनो का थोड़ा कलेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक ही हम लोग ने पॉइजन वाला डाइनो टेम कर लिया जो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। वो टॉर पर काफ़ी अच्छा देता है, बट वो इतना ज़्यादा खतरनाक है नहीं। तो आज सोच रहे जाके कुछ ओपी सा जो डाइनो है उसको टेम करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले यहाँ पे ना हम लोग देखते कि पॉइजन वाला डाइनो कौन सा है, देन उसके हिसाब से जो है हम लोग सबसे ओपी जो भी हम लोग जाके उसको टेम करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ ढूंढते हैं कि पॉइजन वाला कौन सा है भाई। यहाँ पे इससे ढालने से शायद मिलना चाहिए। ओके, यहाँ पे टाइगर है, सेबर टूथ है, ये कहाँ पे है? ओके, ये काफ़ी ज़्यादा पास में है। ये सेबर टूथ टाइगर है, एंड यहाँ पे रैप्टर है, प्राइम स्पाइनोसोरस है यहाँ पे, एंड वुल्फ है भाई। ये वुल्फ वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। ज़ोंबी वाइवन है यहाँ पे, देखते कि हम यहाँ पे क्या क्या टेम कर सकते हैं। ओके, आई थिंक हम लोग जाएंगे अभी सेवर टूथ पे। शायद यहाँ पे इसने किंग वगैरह कुछ तो लिखा था, पॉइजन सेवर टूथ, एंड इससे ऊपर तो है ना अभी कुछ किंग टाइप का आया था, बट अभी तो सिर्फ सेवर टूथ टाइगर आ रहा है। चलो, ये सेबर तो जो टाइगर है ना, इसको टेम करने का कोशिश करेंगे, देखते कि ये यहाँ पे क्या कर सकता है। बट अभी जाके हम लोग ना यहाँ पे कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, सो लेट्स गो। एंड जाने के बाद आई थिंक ये सेबर तो टाइगर जो है वो पास में ही है, तो हम लोग शायद चल के भी जा सकते हैं। इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे भी उससे चले गए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है। बॉस यहाँ पे स्पॉन होता, अरे एक मिनट, बॉस यहाँ पे था, अभी बॉस डिस्पॉन हो गया क्या? नहीं, बॉस का टेंटिकल्स तो वहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डाइनो है। तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग एंग्लो को निकाल के लेके जाते हैं। उसका एचपी थोड़ा कम है, रिक्स थोड़ा हो सकता है अपने लिए, बट हम लोग यहाँ पे कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। सो अपना एंग्लो कहाँ गया? चलो, हम लोग ने एंग्लो को निकाल लिया है। एंग्लो को लेके वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे टॉर पर कितना दे सकते हैं। सो लेट्स गो, एंड इट्स डन इज़ द। तो सबसे पहले ना इसका लेवल अप करते हैं, ताकि मतलब हमें यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, हम लोग ने यहाँ पे लेवल अप कर दी है। आई थिंक इतना एचपी रहेगा अच्छा। सो रेस्ट हम लोग यहाँ पे देते हैं अपना डैमेज पे, ताकि जो है इसको जल्दी जल्दी टॉर्च पर चढ़ सके। तो यहाँ पे हम लोग ये भी दे रहे हैं, इट्स डन इज़ा। थोड़ा स्टेमिना में देना ज़रूरी होता है। एंड अभी रेस्ट जितना पॉइंट्स है हम लोग ने यहाँ पे देते हुए अपना जो एंग्लो है उसको काफ़ी अच्छा लेवल अप कर लिया। अभी जस्ट देखना है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो, अभी यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाके सेबर टूथ को कर सकते हैं कि नहीं। इसका भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, इसका मूवमेंट स्पीड में हम लोग ने बिल्कुल भी पॉइंट नहीं दिया। हमें थोड़ा पॉइंट देना चाहिए था, बट हम लोग ने वो चीज़ गलती कर दी। बट नो वरीज गाइस, हमें जस्ट पहुँचना है एंड देखना है कि एंग्लो यहाँ पे टॉर पर कितना दे रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। एंड सेबर टूथ के अगेंस्ट ये स्नो सेबर टूथ है, इसको क्यों नहीं पड़ रहा है? एक मिनट, कौन सा अटैक से पड़ रहा है? ओ, सी से क्या? आई थिंक सी से पड़ रहा है, या कौन सा से पड़ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आई थिंक मेरा एंग्लो जो है उसका ले किससे इसको पड़ रहा है भाई? आई थिंक सी वाला से, ये स्नो वाला सेबर तो थे। एंड अगर मैंने इसको ये कर दिया तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सो मुझे नहीं लगता कि एंग्लो से इसको टॉर पर देना इतना ईजी होने वाला है। एंड यहाँ पे राइट क्लिक से इसको टॉर पर दे रहा है भाई। मैंने गलती कर दी, मुझे लगा दूसरा से दे रहा है, बट राइट क्लिक से जो है ना इसको यहाँ पे टॉर पर चढ़ रहा था, बट यहाँ पे मैंने गलत वाला दे दिया। एंड यहाँ पे साथ में जो है ना बहुत सारा आ चुका है, अभी अपना यहाँ पे पीटी बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे भाई सब आ गया। अरे भाई बचाओ भाई, इसका डैमेज कितना गंदा पड़ रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो हमें यहाँ पे हीलिंग खाते खाते इन सबको उड़ाना पड़ेगा। एंक्लो से, एंक्लो से मैं अभी उड़ा रहा भाई एंक्लो को। ओ भाई, कौन कौन आ रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक शॉक, इन लोग को टेम करने के लिए इन्हें ज़्यादा चाहिए नहीं होगा, बट इन लोगों का जो टॉर्पर है उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हम लोग ने और एक इसको मार दिया है। अभी यहाँ पे एक करप्टेड वेलोसीरैप्टर, नहीं 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 नहीं, अरे गलती हो गई। ओके, आई थिंक वी आर डन।
हम लोग यहाँ पे ना अपना यहाँ पे पेटी बनने वाला है, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पे भाग, यहाँ से भागते हैं हम लोग, क्योंकि इससे खास कुछ होने नहीं वाला आई थिंक। मेरे को नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे खास कुछ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक पड़े जा रहा है एंड यहाँ पे टॉवर पर भी खास कुछ चढ़ नहीं रहा है, तो मेरे को लगता है कि हम लोग ने यहाँ पे गलती कर दी है। यहाँ पे रैप्टर तो मर चुका है, बट यहाँ पे भाई एक तो यहाँ पे फ्यूनिक्स आ चुका है। सो हम लोग यहाँ से आई थिंक यहाँ से हमें कल्टी मारना है, अपने लिए बेस्ट रहेगा। अरे रुक जा भाई, काहे उंगली कर रहा है। अरे भाई रुक जा। एंड यहाँ पे इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 35K का हेल्थ है, बट इसका टॉर्पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें वो ट्रैंक से मारना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे टॉर्पर चढ़ने वाला है। तो यहाँ पे और एक आ चुका है, सो इन लोग को यहाँ पे मारते मुझे लगता है कि यहाँ पे सालों लगने वाले हैं। इन लोग को लेके आना इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन एक्चुअल में। सो अभी कुछ खास कुछ कर नहीं सकते, तो हम इसको मारने के अलावा इसको मारना ही पड़ेगा हमें। ओके अभी को भाई भागने दे, भाई छोड़ दे, भाई भगवान के लिए मेरे को छोड़ दे, मैं जा रहा भाई, मेरे को नहीं चाहिए। ओ भाई भागो भागो भागो, हमें वहाँ पे पहुँचना है बट हो नहीं रहा है। नहीं यहाँ पे अगर इसको गलती से लग गया ना भाई, ये ब्रोंटो भाई अपना पीडी बना देगा। बट अभी हम लोग यहाँ पे कोशिश तो कर रहे हैं, सर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। एंड पॉइजन वाला एक एंग्लोसोरस जो है यहाँ पे मतलब जो है ना इसका पीडी बन चुका है। सो आई डोंट थिंक कि हम लोग यहाँ पे खास कुछ कर सकते हैं। ये कौन सा वाला है, ये शॉक वाला सेबर तो होता है। एंड मुझे लगता है कि अभी इससे तो भाई पॉसिबल ही नहीं होने वाला। को ले ले फटके, ओ भाई। एंड इससे अगर घूम के दिए तो हम लोग इसको टॉर्पर तो दे रहे, बट काफ़ी कम टॉर्पर दे रहे, तो इसलिए हमें टाइम लग सकता है। एंड अभी को आई थिंक सेबर तो जो है ना उसके यहाँ पे पेटी बन सकता है। एंड यहाँ पे पेटी बनने ही वाला है। एंड सेबर तो वेलोसिराप्टर सबका यहाँ पे पेटी बन चुका है। सो अपना जो डेस्टिनेशन था वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे उंगली करके कुछ ज़्यादा हमें मिलने नहीं वाला है। आजू बाजू है क्या? सो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आजू बाजू कुछ है। अपना यहाँ पे भाई कपड़ा भी उड़ा दिया, ये सही है, ये कर लो तुम पहले। यहाँ पे क्या है मेरे को नहीं पता, बट हम लोग यहाँ पे सब पिक करते हुए अभी अपना जो है ना जगह पे पहुँच जाते हैं, और उसके बाद उसको टेम करने का कोशिश करते। ओह यहाँ पे ये फंसा हुआ है, सही है, ये सही है भाई। इसका 900K का टॉर पर है आई थिंक, और एक फटके में तो वो ये इसको टॉर पर चढ़ ही जाएगा। ओके आई थिंक काम हो जाएगा क्या? नहीं, और एक एरो मार ही देते। चलो यहाँ पे काम 25 हो चुका है। एंड उसके बाद इसको टेम करने के लिए चाहिए 2 रेगुलर कीबल। हम लोग जल्दी जल्दी रेगुलर कीबल बनाते। ओके रेगुलर कीबल अमाउंट 2 डन। एंड यहाँ पे 2 रेगुलर कीबल हो चुका है। सो अभी इसको जल्दी जल्दी से टेम कर लेते हैं, यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उंगली चल रहा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसको दे देते हैं भाई ये ब्रोंटो। अरे हो जाओ 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 जाओ, चलो अपना यहाँ पे जो है काम 25 हो चुका है। हम लोग ने यहाँ पे पॉइजन वाला सेबर तो टेम कर लिया। अभी हमें जाना है घर पे, एंड इसके लिए जो है ना शैडल वगैरह बनानी है। यहाँ पे ब्रोंटो वगैरह काफ़ी ज़्यादा उंगली कर रहा है, जिसलिए हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते भाई। हम लोग मरते मरते बचे हुए, मैं गलती से वहाँ से एंट्रो से उतर गया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो गई थी, बट हम लोग लकीली जो है ना यहाँ पे बच गए। एंड साथ में हम लोग ने यहाँ पे अपना जो सेबर तो टाइगर है उसको भी यहाँ पे हम लोग ने टेम कर लिया है। एंड अपने यहाँ पे कपड़ा वगैरह सब कुछ जा चुका है, तो उसको हम लोग वापस से रिपेयर कर लेते हैं। एंड उसके बाद जाके हम लोग जो है ना यहाँ पे इसको कौन सा वाला ये लगेगा भाई, वही दिक्कत है। चलो अपना ये जो कपड़ा हमें जो रिपेयर करना है इसको रिपेयर कर लेते हैं पहले। एंड रिपेयर करने के साथ साथ में यहाँ पे देखते हैं कि शैडल। ओके हमें यहाँ पे सेबर टूथ का मतलब शैडल तो मिल गया है, पॉइजन वाला तो मिल नहीं रहा, पर यहाँ पे नॉर्मल वाला सेबर टूथ का शैडल है। आई डोंट नो कि ये कितना काम आने वाला है, बट हम लोग यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं इसको जो हम लोग बना रहे हैं उसको मतलब इक्विप करके। अगर नहीं हुआ तो बाद में जाके देखते हैं कि पूछ के कि मतलब यहाँ पॉइजन के लिए कौन सा वाला चाहिए होगा। बट मैं जस्ट होप कर रहा कि जो कमन जो शैडल हम लोग बना रहे हैं सेबर टूथ के लिए वो ही हमारे लिए इनफ हो जाए। तो अभी यहाँ पे इसको जो है ना कपड़ा पहनते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो इक्विप एंड दिस इज सेबर टूथ टाइगर, इसको इक्विप कर लेते हैं। ऐसे भी इसको यहाँ पे अंदर तो ये नहीं कर सकते, सो इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। एंड शैडल जो है ना वो पहना के देखते हैं, जस्ट होप करते कि भाई ये शैडल काम आ जाए, काम 25 हो जाए। सो डन।
यहाँ पे जो है ना इसका ये लग चुका है। अभी यहाँ पे देखते इसको लेवल वगैरह करके कि इसका जो है टॉर्क पर क्या जाता है। भाई इसका एचपी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसका एचपी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऐसे भी अच्छा लेवल अब आने वाला है, तो पहले इसका 100K का एचपी कर लेते हैं। इसका यहाँ पे ये एंड हियर वी गो, एंड अभी देते डैमेज में। सो अभी यहाँ पे अपना काम 25 हो चुका है। लेवल वगैरह बाद में देख लेते हैं, जाके इसको जो है ना डैमेज टेस्ट कर लेते हैं। ये क्या है, टेप वार्डन 37.7 मिलियन हेल्थ का है ये। नॉट टेमेबल, मैक्स लेवल का है ये। सो आई थिंक इसको मारना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मेरा सेबर टूथ को लेके जाके, तो मुझे लग रहा है पर इसका थोड़ा डैमेज टेस्ट करते हैं। अगर ये हुआ तो उसके बाद जाके जो है ना हम लोग यहाँ पे इससे मतलब सेबर टूथ को मार पाएंगे कि नहीं पता नहीं, पर पानी के अंदर तो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि सेबर टूथ यहाँ पे कुछ खास काम कर रहा है। यानी यहाँ पे दो दो तक डाइनो भी नहीं दिख रहा मेरे को। ओके यहाँ पे ये मेरे को पता है कि ये उड़ के ही मतलब मेरे पे अटैक करेगा, तो उसको पहले ही मतलब उड़ा देते। सो ये मेरे ऊपर ही करेगा। सेबर टूथ मार ले भाई, इसका डैमेज इतना कम है। मेरा भाई क्या दिक्कत है, मेरा मतलब डाइनोस को अटैक करना छोड़ के बिंदास यहाँ पे बैठा पड़ा है। छी यार क्या ही बोले। चलो अपना सेबर तो इतना काम यहाँ पे क्यों था मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे कोई भी डाइनो नहीं जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर सकते वेदर ये टॉर्पर कैसा दे रहा है बोल के। इसका टॉर्पर देखना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट यहाँ पे जो है ना हमें दो दो तक डाइनो कोई भी नज़र आ नहीं रहा है। एंड यहाँ पे ये लोग भाई काफ़ी ज़्यादा उंगली करने वाला है, सो इसको देख लेते हैं। ओके ये टॉर्पर दे रहा है, बट इसका जो टॉर्पर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको टॉर्पर देना इतना भी इजी होने वाला है। तो यहाँ से थोड़ा साइड में निकलते हैं जहाँ पे थोड़ा सेफ जगह है, उसके बाद जाके जो है ना हम लोग यहाँ पे लेवल अप करेंगे। सो लेवल अप करने के बाद इसका टॉर्पर देखते हैं। ये टॉर्पर तो दे रहा है बट इतना ज़्यादा खास दे नहीं रहा अभी के लिए। तो सो देन अभी लेवल अप हो चुका भाई, 2000 लेवल का होने के बाद भी इतना गंदा कम डैमेज भाई क्या ही बोले। चलो ये एंग्लो को देखे देखते हैं, 5K का एंड अभी 12K का, 3 फटके में 12K का टॉर्पर चल रहा है। सो इसका भी काम 25 हो चुका है। एंड यहाँ पे लेट्स गो इन लोग का। नहीं भाई नहीं 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 रैप्टर भाई मेरा रैप क्या ही बोले। चलो अपना यहाँ पे काम 25 हो चुका है। यहाँ पे जो शॉक सेबर तो था आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि वो वहाँ पे शॉक देते देते हमें उड़ा। फाइनली भाई अपना सेबर तो हम लोग ने यहाँ पे यही तो किया था, बट आई डोंट थिंक कि वो ज़िंदा है कि नहीं। अभी वहाँ पे चलते हैं उसको जाके जो है ना हम लोग वापस लेके आ जाएंगे। अरे हो जा ड्रॉप, अगर मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा ना मेरा सेबर तो भाई चुपचाप ऐसे बैठा था, कहीं उसको उड़ा ना दे। तो यहाँ से हमें जल्दी जल्दी निकलना होगा, उसके लिए हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे अपना फायर वाला स्पाइनो। स्पाइनो वी आर यू स्पाइनो स्पाइनो स्पाइनो। एंड यहाँ पे मेरे को स्पाइनो काहे नहीं दिख रहा भाई। ओके हमें यहाँ पे स्पाइनो मिल चुका है, हम लोग इसको इक्विप करते हैं। इसको लेके जाके जो है ना हम लोग यहाँ पे इसका काम 25 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। सो ये अभी को एंड अभी चलो अभी हमें जाना है वो लोकेशन पे जहाँ पे मतलब अपना सेबर टूथ का जो है ना वहाँ पे पेट ही बना है कि नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे जाके उसको देखना, उसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो अपना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ से चलते हैं एंड देखते हैं कि अपना सेबर तो ज़िंदा है कि नहीं। अभी तक तो ज़िंदा होनी चाहिए मेरा हिसाब से। तो यहाँ पे सब अटैक कर रहा है, पर मेरा ये जो स्पाइन मतलब सेबर तो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है। सो इन लोग को यहाँ पे एक फटके में निकल पर उंगली करने आता है। चलो अपना यहाँ पे काम 25 हो चुका है। हम इससे भी सेबर तूत से लेके जाके तो जो डाइनो हम लोग ने वहाँ पे दिखा था वो बड़ा वाला, उसको तो मार नहीं सकते, बट हम लोग ने यहाँ पे इसका ये कर दिया है। अभी काम 25। अरे वो क्यों नहीं रहा है, राइट का ऑप्शन आ जा। ओके अपना यहाँ पे काम हो चुका है, तो हम लोग वापस चलते हैं अपना बेस के टूर। जो एक डाइनो देखा था ना वहाँ पे जो शॉक छोड़ रहा था कुछ तो वार्डन बोल के, तो आज जाके ना उसका पेट ही बना देते, उसका हेल्थ था 3 पॉइंट समथिंग मिलियन। सो यहाँ पे जाके देखते हैं कि हम लोग उसको यहाँ से उड़ा पाते हैं कि नहीं, अभी है कि नहीं वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मेरे को दिख तो नहीं रहा है, बट आई थिंक यहाँ पे ओके यहाँ पे वो दिख रहा है, देख रहे हो इसका वार्डन ऑफ द रेड वुड। चलो आक्रमण करते हैं एंड ये अभी को। अरे नहीं 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 मैं उतर गई।
अरे भाई, मैं गलती से मैंने ई दबा दिया, मैं उतर गई है यहाँ पे जो है ना, अपना पीडी बन चुका है वापस से। भाई मैं लार में गई थी, मैं उसको उड़ा तो सकती थी, बट गलती से मैं वहाँ से जो है ना, मेरा ई दब गया है, मैं वहाँ से नीचे उतर गई, इसलिए मेरा यहाँ पे जो है ना पीटी बन चुका है। सो हमें वहाँ पे जल्दी जल्दी से वापस जानी होगी, नहीं तो भाई अपना पीटी बनना तो 100% श्योर है। सो अपना चीज़ें वगैरह हम लोग ने यहाँ पे निकाल लिया है। अरे काहे ग्लिच होता है ये टाइम पे। चलो भाई, योर फ्लेम स्पिनोसॉरस वाज किल्ड, व्हाट द, मेरा स्पाइनो को मार दिया भाई उसने। चलो हम लोग दूसरा स्पाइनो लेके चलते हैं, मेरे पास वही था। सो स्पाइनो को इसने उड़ा दिया, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं। मेरे को नहीं पता कि ये यहाँ पे कितना काम करने वाला है। सो पर इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं, एंड इसको ऑलरेडी हियर वी गो। सो यहाँ पे जाके ना इसको अभी उड़ाने का कोशिश करेंगे। इसका हेल्थ कितना है, इसका हेल्थ कितना है, 300। भाई मेरा स्पाइनो को उड़ा दिया, इसको जाके उंगली करूँ कि नहीं सोच रहा मैं। अगर मैं वापस से मर गई ना, तो मेरा स्पाइनो को वापस से पीडी बन सकता है, तो उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते, पहले ट्रैकर बना लेते, अगर मर भी गया ना तो उसको मतलब ट्रैकर से बुला लेंगे। तो उसको पहले यहाँ पे बुला कर लेते। कुक्ड प्राइम मीट नहीं है अपने पास, जाओ काम 25 हो चुका है। तो फिर भी जाके इसको आक्रामण करके देखते भाई, पर करूँ कि नहीं मैं सोच रहा। अपना स्पाइनो जो है ना यहाँ पे, स्पाइनो का पीडी बन चुका है, तो हम लोग खास कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओ भाई, मेरा स्पाइनो का पीटी बन चुका है। जस्ट होप करते कि मेरी भी अभी ये अटैक ना करे। मेरा एक गलती से जो है ना, मेरा यहाँ का स्पाइनो का पीटी बन चुका है, बट इससे बदला ज़रूर लेंगे जैसे आगे जाके हम लोग ओपिसा डाइनो टीम करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को नहीं लगता कि वो इतना पॉसिबल होने वाला है। सो यहाँ पे मैं शेडल देख रहा था स्पाइनो का, बट यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो वो शेडल बाद में बना लेंगे। ऐसे भी इसके लिए कुछ खास तो चाहिए नहीं होगा। एंड ये कैप्रो को मारने का ना, मेरे को नहीं लगता कि हम लोग जो ये वार्डन है इसको मार पाएंगे भाई, इसने जो गंदी तरीके से डैमेज दिया। क्या ही कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ये भी बताना कि आज का जो एपिसोड है वो आपको यहाँ पे कैसा लगा। यहाँ पे फाइनली जाके हम लोग ने जो है ना पॉइजन वाला सेवर तो उसको यहाँ पे टेम कर लिया, बट उसका जो जो टॉर्पर वगैरह दे रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। एंड साथ में लास्ट में जो है ना हम लोग लार्ड में जो देख रहे हो यहाँ पे वार्डन, ये भाई वार्डन ऑफ द रेड वुड को मारने गए थे, पर उसके साथ में उसके चक्कर में जो है ना अपना एक स्पाइनो का यहाँ पे पेटी बन चुका है। सो अभी के लिए तो हम लोग इसको वार्डन को मार नहीं पा रहे, बट आई जस्ट होप कि आगे जाके ये वार्डन का ज़रूर हम लोग मतलब जो है ना बदला लेंगे, एंड ये वार्डन को उठाएंगे। तो देखते हैं अगले एपिसोड में हम लोग क्या टेम कर सकते हैं एंड कौन सा होने वाला है। इसलिए मिस मत करना, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।